3D प्रिंटिंग में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और इसका इफेक्ट मेडिकल इंडस्ट्री पर भी हो रहा है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। What is medical 3D printing? आपको 3D printing क्या होता है ये तो पता ही होगा। 3D printing का medical field के applications को medical 3D printing कहते हैं। For example, एक radiologist अपने patient के surgery के planning के लिए उसके spine का exact replica बना सकता है, या एक dentist एक टूटे हुए दांत को scan करके उसके लिए precisely fit होने वाला cap भी बना सकता है। When was it first used? 1990s में 3D printing के medical purposes के लिए use हो रहे थे, जैसे dental implants या prosthetics। 1999 में Boston Children Hospital and Harvard Medical School ने team up करके एक unique project पर काम कर रहे थे। उन्हें उन बच्चों को जिन्हें spina bifida है उन्हें replacement bladder provide करने थे। डॉक्टर्स ने कोलेजन एंड सिंथेटिक पॉलीमर के यूज़ से आर्टिफिशियल ब्लैडर्स बनाए, बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तभी डॉक्टर एंथनी एटला ने 3D प्रिंटिंग की हेल्प से टू क्रिएट कस्टमाइज स्कैफोल्ड जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर सके। ऐसे ही काफ़ी एप्लीकेशन सामने आते गए विथ एडवांसमेंट्स इन 3D प्रिंटिंग। ईयर 2000 में एनविजन टेक लॉन्चेस द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल एक्सट्रूजन बेस्ड बायो प्रिंटर, दी 3D बायो प्लॉटर। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस। मेडिकल 3D प्रिंटिंग के बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें से फर्स्ट है बायो प्रिंटिंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनाइड्स। इस प्रोसेस को 3D बायो प्रिंटिंग कहते हैं। करंटली बायो प्रिंटिंग को टिश्यूज एंड ऑर्गन्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज दीज बायो मटेरियल्स ऑलमोस्ट इमिटेट नेचुरल टिश्यूज, इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव टू स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे FDM में थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को मेल्ट करके ऑब्जेक्ट प्रिंट किया जाता है। सिमिलरली मेडिकल 3D प्रिंटिंग में बायो इंक होता है, जिसमें लिविंग सेल्स, बायो मटेरियल्स और एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। 3D बायो प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स ए लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ऑफ बायो इंक टू क्रिएट 3D स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल जैसे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। 3D बायो प्रिंटिंग में तीन टाइप्स होते हैं, एक्सट्रूजन बेस्ड, ड्रॉपलेट बेस्ड एंड लेजर बेस्ड बायो प्रिंटिंग। एक्सट्रूजन बेस्ड बायो प्रिंटिंग में मैकेनिकल, न्यूमेटिक और सोलेनॉइड डिस्पेंसर सिस्टम्स होते हैं। इससे बायो इंक को डिपॉजिट किया जाता है इन ए कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स, जबकि ड्रॉपलेट बायो प्रिंटिंग में थर्मल, अकोस्टिक या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से बायो इंक ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं और जो रिक्वायर्ड एरिया है वहाँ पर डिपॉजिट करके 3D प्रिंटिंग की जाती है। ये मेथड एक्सट्रूजन बेस्ड बायो प्रिंटिंग से ज़्यादा एक्यूरेसी और कंट्रोल देता है। फिर फाइनली आता है लेज़र बायो प्रिंटिंग। ये SLA जैसा ही होता है, जो फोटोपॉलीमराइजेशन से बायो इंक को क्योर करके प्रिंट करता है। इसमें भी एक्यूरेसी काफ़ी हाई मिलती है। इन तीनों मेथड्स के लिए अलग टाइप ऑफ बायो इंक्स लगते हैं। हर प्रिंटिंग मेथड के लिए बायो इंक्स अलग प्रॉपर्टीज लगते हैं, जैसे रियोलॉजी, विस्कोसिटी, क्रॉस लिंकिंग केमिस्ट्री एंड बायो कंपैटिबिलिटी। पिछले कुछ सालों में बायो इंक्स में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं। सो बायो प्रिंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? नंबर वन, एन ऑल्टरनेटिव टू फिल ऑर्गन शॉर्टेजेस। जैसे आपको पता है दुनिया में ऑर्गन्स की शॉर्टेजेस है, तो यहाँ ये इफेक्टिव होता है। सेकेंड है कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, किसी को किसी ऑर्गन पे रिसर्च करना है, टू गेट ए रियल लाइफ ऑर्गन इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ए कॉस्टली प्रोसेस। तो उस जगह पे दे कैन 3D प्रिंट एन ऑर्गन टू डू स्टडी ऑन देम। एडवांटेज नंबर थ्री इज फास्टर एंड प्रिसाइज। ये ट्रेडिशनल सिस्टम से फास्ट होता है। नंबर फोर्थ इज डिक्रीज एनिमल किलिंग, जिससे फॉर रिसर्च पर्पजेस अननेसेसरी किलिंग ऑफ एनिमल्स को स्टॉप किया जा सकता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन की तरफ, जो है सर्जरी प्रिपरेशन असिस्टेड बाय द यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग मॉडल्स। हाई रेजोल्यूशन
एंड क्वालिटी डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे एक्सरे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन ने मेडिकल डायग्नोसिस को और सर्जिकल प्लान्स को इम्प्रूव किया है, बट ये स्टिल सब एक 2D इमेज प्रोड्यूस करता है। 2D प्लान्स को 3D सिमुलेशंस में अप्लाई करना एक चैलेंज होता है और यहाँ पर 3D प्रिंटिंग का यूज़ होता है। मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटेड टोमोग्राफी या MDCT या MRI से मिले हुए वॉल्यूमेट्रिक डेटा से 3D प्रिंटिंग की जा सकती है। इससे सर्जरी का प्रिपरेशन टाइम कम हो जाता है और सर्जन्स को एक सेंसरी परसेप्शन मिलता है जिससे वो प्रिपेयर रह सकते हैं कि एक्चुअल ऑर्गन या पार्ट ऑफ बॉडी कैसा होगा, जो यूजुअली जब सर्जरी स्टार्ट होती है तो ही पता चलता है। इससे सर्जरी की एक्यूरेसी बढ़ जाती है एंड पोस्ट सर्जरी पेन भी कम होता है क्योंकि लेवल ऑफ एरर्स भी कम हो जाता है। फिर बढ़ते हैं 3D प्रिंटिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। जैसे जैसे सर्जिकल टेक्निक्स इंप्रूव हो रहे हैं वैसे ही सर्जन्स आर इन अ कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स टू सपोर्ट देयर प्रोसीजर्स। 3D प्रिंटिंग से ये इजीली एंड फास्ट वे में पॉसिबल होता है। 3D प्रिंटिंग से कस्टम इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस इजीली बना सकता है एंड इवन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसीजर इन ए शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम। इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है एंड इन द एंड प्रोसीजर्स ईजी हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कस्टम मेड प्रोस्थेटिक्स यूजिंग 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का मेडिकल इंडस्ट्री में एक मेजर एप्लीकेशन है मेकिंग कस्टम प्रोस्थेटिक्स। बहुत सारी कंपनीज जनरेटिव शेप डिजाइनिंग से प्रोस्थेटिक डिजाइन कर रहे हैं और उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द बेस्ट एंड द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है जो जनरली कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल नहीं है। प्रोस्थेटिक मेकिंग एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है एंड 3D प्रिंटिंग उसी को सपोर्ट कर रहा है जिससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है और अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रोस्थेटिक्स एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत बार यूजर्स इन एक्यूरेसी की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सो द यूज़ ऑफ 3D प्रिंटिंग इन प्रोस्थेटिक मेकिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट है इनोवेशन विदाउट वरिंग अबाउट दी लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत शेप्स बनाना पॉसिबल नहीं होता या बहुत डिफिकल्ट होता है जैसे जनरेटिव शेप डिजाइंस, तो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग हेल्प करती है। सेकेंड है कस्टमाइजेशन, क्रिएट एडेप्टिव प्रोस्थेटिक्स। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मास प्रोडक्शन के लिए हाईली सूटेबल है बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइजेशन या इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट होता है। नंबर 3 इज कॉस्ट। कन्वेंशनल मेथड से प्रोस्थेटिक्स बनाना बहुत लेबर इंटेंसिव होता है एंड ट्रेडिशनल मशीनिंग कस्टम पार्ट्स के लिए एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए 3D प्रिंटिंग यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग के इन मेडिकल एप्लीकेशंस को जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्लास 1 बायोकम्पैटिबल एंड क्लास 2A बायोकम्पैटिबल। तो ये क्या होते हैं? क्लास 1 बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक कस्टम मेडिकल इक्विपमेंट्स सच एज सर्जिकल गाइड्स। इन इक्विपमेंट्स को आप स्टीम स्टेरिलाइज करके डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में यूज कर सकते हैं। सेकेंड है क्लास 2 बायोकम्पैटिबल, ये ऑर्थोडोंटिक्स एप्लीकेशन के लिए होते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में ये लॉन्गर टाइम तक रह सकते हैं जैसे स्लिंट्स एंड रिटेनर्स। फिर देखेंगे रेगुलेशंस एंड लॉज। व्हाट अबाउट दी लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर मेडिकल 3D प्रिंटिंग, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है फॉर सेफ्टी ऑफ द एंड यूजर्स। यूनाइटेड स्टेट्स के FDA ने भी गाइडलाइंस दिए हैं फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशंस फॉर टेस्टिंग ऑफ डिवाइसेस दैट इंक्लूड एटलीस्ट 1 एडिटिवली मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट और एडिटिवली मैन्युफैक्चर्ड स्टेप। यूरोपियन यूनियन के भी कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस है फॉर द यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जैसे COVID-19 में कुछ उन्होंने गाइडलाइंस इशू किए थे ऑन यूजिंग 3D प्रिंटिंग फॉर प्रोवाइडिंग COVID-19 रिलीफ। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO की भी कुछ स्टैंडर्ड्स है एंड कुछ डेवलपमेंट फेज में है। अब तक इंडिया में 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग को से कंसर्न कोई लॉज या गाइडलाइंस नहीं है। होपफुली जल्दी ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस आ जाएंगे जिससे रेगुलेशन करना ईजी हो जाएगा।
सो ये था एक वीडियो ऑन मेडिकल 3D प्रिंटिंग, व्हाट इज इट एंड इट्स एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, एंड इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।